हे गाइस, वेलकम टू ड्राइव हंड। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ब्यूटीफुल अमेजिंग सेडान जो कि है होंडा सिटी आईबीटेक। तो आइए चलिए कुछ इसके इंटीरियर के बारे में आपको बताता हूँ, बने रहिए वीडियो के साथ। आइए चलिए। तो यार देख के समझ में आ ही गया होगा, आज बात करने वाले होंडा सिटी आईबीटेक। और ये जो मॉडल है वो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले इस गाड़ी के ना खास बातों के बारे में बताता हूँ। ये गाड़ी आज भी जो लोग सेडान पसंद करते हैं उनकी पहली चॉइस है, जो बदमाश टाइप हैं, लड़के वगैरह हैं उनके लिए वरना है, लेकिन एक जो फैमिली कार प्रेफर करते हैं उनके लिए आज भी ये गाड़ी पहली चॉइस रहती है सेडान में। ऑल तो इस टाइम पे सेडान की मार्केट इंडिया में थोड़ी सी डाउन है, लेकिन आज भी जो सेडान के लवर हैं वो इस गाड़ी को लेने से नहीं चूकते, उनको बस ये गाड़ी मिल जाए। और यार इस गाड़ी की बात ही अलग है, इसमें बैठोगे ना फील ये लगाती है। खैर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूं भाई, ये है 2016 मॉडल, और इसमें अगर हम हेडलाइट की बात करें तो उस टाइम पे आती थी हेलोजन हेडलैम्प, लेकिन उस टाइम पे भी ना ये दोनों हाई बीम और लो बीम के लिए अलग अलग दिया हुआ था और बराबर में दिया था इंडिकेटर्स का। पहले होता क्या था कि क्योंकि DRLs वगैरह नहीं थे तो जो इंडिकेटर है ना, तो ये इंडिकेटर लाइक रात के टाइम पे ना हेडलाइट से मिक्स हो जाता था, जिसकी वजह से सामने वाले को दिखते नहीं थे। तो इसी वजह से फिर ये DRLs वगैरह का अलग से किया, इंडिकेटर वगैरह का अलग से नया लॉन्च किया डिज़ाइन में। लेकिन इसमें अगर आप देखो तो हेडलाइट में बहुत सही स्पेस दे रखा है कि प्रॉब्लम ना आए। साथ में इसके नीचे की साइड फॉग लैंप मिलते हैं, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम है इंडियन रोड्स के हिसाब से, लेकिन अंदर जो कंफर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा सही है। ऑल दो इसके जो अलॉयज़ हैं, आगे इसमें मिलते हैं डिस्क ब्रेक और पीछे मिलते हैं इसमें ड्रम। और इसकी जो टायर प्रोफाइल इसको ये मिलती है अपनी 175/65 R15, 15 इंच का टायर है, और काफ़ी सही स्टेबिलिटी रहती है टायरों के अकॉर्डिंग। बाकी अगर हम बात करें इसके साइड प्रोफाइल की तो वो कुछ ऐसी है, एकदम स्टनिंग। इसके जितने भी ये डोर हैंडल्स हैं वो सब क्रोम में आया करते थे, इसके जो नीचे की साइड ये प्लेट है वो पूरी क्रोम में लगा के दी थी, और या इसके जो साइड मिरर्स हैं ना वो भी फोल्डिंग है। अभी जो हुंडई की गाड़ियों में आ रहा है कि चाबी से लॉक अनलॉक पे ये फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं, लेकिन इसका कंट्रोल अंदर से है, तो गाड़ी को ऑन करके ये फोल्ड अनफोल्ड भी होते हैं। साथ ही इसमें एक जो खास फीचर लगा मेरे को उस टाइम की गाड़ियों में वो इसका ये रिक्वेस्ट सेंसर है, तो इसमें भी कीलेस एंट्री है, और साथ ही ये जो कीलेस एंट्री है वो दोनों साइड से दिखाई हुई है। मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखाता हूँ, ये पैसेंजर डोर है और इधर से भी इसकी कीलेस एंट्री है। बाकी इसके अगर बैक से बात करें तो इसकी बैक प्रोफाइल कुछ ऐसी है, पीछे आपको नॉर्मल वाइपर तो आता नहीं है सेडान गाड़ियों में, लेकिन इसमें आपको डिफॉगर ज़रूर मिल जाते हैं। और इसके अगर बूट की बात करें तो बूट इसका समवेयर अराउंड 500 लीटर मिलता है। और यार ये देखो भाई, इतना बड़ा लगेज है कि आराम से दो बंदे आराम से बैठ के जा सकते हैं पीछे, बट थोड़ा सा सफोकेशन होगा क्योंकि ये जो सीट है ना ये फोल्डेबल नहीं है। खैर इसके अगर स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील है इसका सेम प्रोफाइल का 175/65 R15, और ब्रिजस्टोन का इसका स्पेयर व्हील है। बाकी यार इसमें मेरे को एक चीज़ की कमी लगी कि ये जो है ना, ये होंडा ने, ये सेडान गाड़ी है ऑल दो, बट यहाँ पे यार थोड़ा ये वायरिंग सी जो ओपन हो रखी है ना, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। तो इसको अगर कवर कर दें, ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आता, लेकिन ये कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कंपनियाँ करती हैं, तो उसको अगर कवर कर देना ये सब चीज़ें तो थोड़ा और अच्छा फील होता है यार एज़ अ यूज़र। बाकी छोटे बच्चे होते हैं तो तार वगैरह बच जाते हैं यार, नहीं तो वो लोग क्या करते हैं कि तारों से खेलना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे कि ये कपलर दिया हुआ है यहाँ पे सारे के सारे तार ओपन है, ये सारी वायर ओपन है, तो इसमें होता क्या है कि बच्चे अगर इसको छेड़ना स्टार्ट करेंगे, इसको खेलना स्टार्ट करेंगे, तो वो बहुत सी बार निकल जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको एक ये है कि यार इसको अगर कवर कर दिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी इसमें कैमरा भी मिलता था उस टाइम पे आपको। बाकी लेके चलता हूँ इसके अंदर, होंडा सिटी VX मॉडल है, और अंदर से दिखाता हूँ कि क्या कुछ इसके अंदर
अपने आप को प्रोवाइड था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इसकी सीट की। सो सीट इसकी जो है वो ये इसका बैक सपोर्ट के लिए, कि आगे पीछे करने के लिए। ये जो है इसका हाइट एडजस्टमेंट, भाई हाइट एडजस्टमेंट इसके अंदर भी आता था, क्या बात है। तो भाई ये वाला तो हाइट एडजस्टमेंट है, बाकी इसका ये जो ये वाला कंपार्टमेंट है, ये वाला जो एरिया है, इससे इसका आगे पीछे करने के लिए। अगर मैं इसके अंदर लेके चलूँ आपको, तो भाई ऐसा कुछ इसका इंटीरियर का व्यू है। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पे आपको कोई टिकट होल्डर नहीं मिलता, ये प्लेन है बिल्कुल। सिर्फ आपको अगर धूप वगैरह आ रही है शीशे पे तो उससे ही प्रोटेक्शन के लिए मिलता था। और इधर की साइड अगर बात करें तो इधर की साइड ये वैनिटी मिरर के साथ आता था। यहाँ पे लाइट्स वगैरह कुछ नहीं है। खैर, यहाँ पे जो केबिन लाइट्स हैं वो मैनुअल है, और ये हेलोजन भी आती थी। इसकी एक पीछे भी हेलोजन लाइट दी हुई है, वो भी आपको मैं चेकआउट करवा देता हूँ जब लाइट की बात चली ही है। सो चेक दिस आउट। बाकी ऐसा कुछ इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम था, जिसको अगर हम गाड़ी को अगर हम ऑन करें, ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो अगर इसको हम डालते हैं ये ब्रेक पे जाए बिना, इसका लीवर जो है वो चेंज नहीं होता। इसको अगर हम रिवर्स पे डालते हैं तो ये इसकी कैमरा क्वालिटी है। इसको हम बंद कर देते हैं गाने को यार, ना हाँ कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये कुछ इसकी कैमरा क्वालिटी है। और यार इसका स्टीयरिंग से जो इधर उधर घूमता है वो वाला नहीं है, लेकिन इसकी कैमरा क्वालिटी यार बहुत ज़्यादा सही है। लाइक डे में दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको रात में भी दिखाऊँगा तो अच्छी खासी क्वालिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा मेरे को, और इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन दिए हुए हैं, उसको समझने के लिए मेरे को भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। खैर, एसी को कर लेते हैं बंद। हाँ, तो बाकी इसके जो फोल्ड एंड फोल्ड के मिरर, साइड मिरर के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, एडजस्टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें एक इको मोड दे रखा है यहाँ से, साथ ही इसमें जो डोर्स पे कंट्रोल्स हैं वो डोर्स पे सिर्फ लॉक अनलॉक, और ये चाइल्ड सेफ्टी के लिए ये जो डोर्स हैं वो दूसरी साइड से लॉक वो ना हो। और इसका जो ये वाला है ना ऑटो ड्राइवर साइड, ये ऑटो अप और ऑटो डाउन फीचर के साथ आता है। तो सी, इसमें सिर्फ सिंगल अप और सिंगल डाउन से ऊपर नीचे हो जाता है पूरा का पूरा मिरर। बाकी यहाँ पे इसमें ट्विटर मिलता था, और यहाँ पे इसमें स्पीकर मिलता था, 6 स्पीकर के साथ में ये वाला मॉडल था। और इसका जो फ्यूल लिड ओपन करने का है वो यहाँ से है ये, तो ये वाला जो है वो इधर की साइड से दे रखा है इस तरह से, तो इसमें यहाँ से फ्यूल लिड ओपन होगा। बाकी यहाँ पे इसका एक स्पेस दे रखा था इस गाड़ी के अंदर। ये चीज़ यार मेरे को बहुत सही लगी, क्योंकि ये वाला स्पेस ना आजकल गाड़ी में मान नहीं रहा, तो फ़ोन वगैरह रखने को ड्राइवर को दिक्कत होती है, तो यार ये चीज़ आज भी देनी चाहिए थी, तो थोड़ा बहुत अपना लाइक पैसे वगैरह और फ़ोन रखने में ना प्रॉब्लम नहीं आती है ड्राइवर को, वरना फिर ही रखना पड़ता है। यहाँ पे बात करें अगर हम, तो यहाँ पे इसका 12 वोल्ट का सॉकेट, USB और एक ऑक्स का डेडिकेटेड पोर्ट था। अभी तो USB लगाई हुई है, बाकी बंद कर देते हैं। और इसका जो ग्लव बॉक्स है वो कुछ ऐसा है, आज की गाड़ियों से कंपेयर करें तो यार बहुत ज़्यादा सही स्पेस है, क्योंकि आजकल तो गाड़ियों में ना ग्लव बॉक्स में स्पेस ही नहीं आ रहा। जो वो लोग डॉकेट देते हैं कंपनी वाले, वो ही इसमें नहीं आता प्रॉपर तरीके से। तो इसमें ना मेरे को स्पेस बहुत ज़्यादा सही लगा। इसके जो ये डोर हैंडल्स हैं वो सारे के सारे क्रोम में हैं, और इसका कुछ इंटीरियर जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टनिंग है, और होंडा सिटी है यार, होना ही था। इसका एक खास फीचर है वो मैं आपको पीछे जाके दिखाऊंगा, अभी चलते हैं पीछे की साइड। तो भाई आगे वाली जो सीट थी वो मेरे हिसाब से एडजस्ट थी, और ये जो मैं आपको स्पेस दिखाऊं वो स्पेस कुछ ऐसा मिल रहा है कि यहाँ पे मेरे जो लेग्स हैं ना वो बिल्कुल भी टच नहीं हो रहे, और बिल्कुल प्रॉपर मेरे को स्पेस मिल रहा है, जिससे कि अगर लॉन्ग ट्रिप में भी जाते हैं तो यहाँ पे मेरे को थकान तो फील ही नहीं होती। और सेडान यार इसी चीज़ के लिए फेमस है कि आपको जो कम्फर्ट मिलता है वो बहुत ज़्यादा सही होता है। बाकी इसके अगर मैं खास फीचर की बात करूं, तो वो फीचर मैं बात कर रहा था इसका सनरूफ। जी हाँ, तो इसमें आफ्टर मार्केट नहीं है, इसमें कंपनी फिटेड सनरूफ आता था उस टाइम से। और ये जो सनरूफ है ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इसके कंट्रोल्स,
अगर इसको बैक करा तो ये ओपन हो जाता है यहाँ से। और भाई इसमें से निकल के ना, लाइक इस सेडान गाड़ी से निकल के ना मज़ा ही अलग आ जाता है, क्योंकि एसयूवी में क्या होता है कि वो आपकी चेस्ट तक आता है सनरूफ, तो आपको मतलब थोड़ा सा वो अनकम्फर्टेबल रहता है, लेकिन जब आप इससे निकलते हो तो आपको बहुत सही व्यू मिलता है। बाकी इसका ये कर्टन दे रखा है, ये भी अच्छी क्वालिटी है, तो इसमें भी आपको धूप जो है अंदर नहीं आती। आगे वाले जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल थे, और जो पीछे वाले हेडरेस्ट हैं वो इसमें फिक्स आते थे। बाकी इसमें ये वाले हुक्स दे रखे हैं दोनों साइड, इधर भी है और इधर की साइड भी है। तो यार ये वाले हुक्स का ना मेरे को यूज़ नहीं पता एक्चुअली, तो मैंने भी पहली बार ही देखी ये चीज़ें। तो यार इस पर बनाया हो तो हुआ है कुछ ये डायग्राम से, लेकिन मेरे को नहीं समझ में आ रहा। किसी को पता होता है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। और इसके अंदर एक हुक दे रखा है सिंपल, ये इसकी जो सीट्स हैं, सेडान गाड़ी है, फोल्डेबल नहीं आती, लेकिन ये पता नहीं किस चीज़ के लिए दे रखा है। खैर इसकी सीट में ये जो है ना कप होल्डर, ये बहुत ज़्यादा सही है। तो अगर लंबी ट्रिप पे जा रहे हैं, चार बंदे हैं गाड़ी के अंदर, तो बहुत ज़्यादा सही ही इसका सपोर्ट मिलने वाला है। इसका जो फैब्रिक है, लाइक ऊपर से तो लेदर कवर्स हैं, लेकिन अंदर जो इसका सॉफ्ट है ना, वो पूरा हाथ को ना दर्द नहीं होगा। साथ ही इसमें कप होल्डर्स भी हैं, तो अपना एंजॉय कर सकते हो लंबी ट्रिप्स वगैरह। बाकी इसके अंदर ये जो पूरा पैडिंग है, ये पूरा लेदर में मिलता था, और पीछे की साइड भी ये सब जो डोर हैंडल्स हैं वो भी सारे के सारे क्रोम में आते थे। ये वाला एरिया डिफरेंट कलर में दिया हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो लुक है गेट का वो बहुत ज़्यादा स्टनिंग लगता है। तो ऐसा कुछ था इसका यार वॉक अराउंड। गाड़ी कैसी लगी बताना, और नई नई गाड़ियाँ लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे ट्यून्ड, कीप शेयरिंग, कीप लविंग, और यार सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, मेरे से बार बार नहीं बोला जाता वीडियोज़ वगैरह में, तो अपने आप ही कर दिया करो यार, थोड़ा सा एफर्ट लगते हैं वीडियो बनाने में, एडिट करने में, अपलोड करने में, तो देख लिया करो अपने भाई के लिए। बाकी इसके अलावा कोई भी डिटेल चाहिए हो गाड़ी से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, सो फील फ्री टू कमेंट।